लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब देश की आजादी की जंग लड़ी जा रही थी तो चंद एक महाराजाओं ने भी इनकलाबियों की मदद की। इससे नाराज होकर फिरंगियों ने उनकी रियासतों पर कब्जा करने की ठान ली। एक ऐसी ही फर्जी रियासत की फर्जी कहानी आपके मनोरंजन के लिए पेश की जा रही है। आइए जीते रहो छोटे भैया। भगवान का दिया हुआ हमारे बेटे के सर पर जन्म निशान आका, आ से ईसा, आ से अल्लाह, आ से ईश्वर। आइए महाराज दर्शन के लिए आ रहे हैं। महाराज जी जय हो। बेटे आज तुम्हारा जन्मदिन है, इनसे आशीर्वाद दो। ये हमारे भगवान है, हमारे खुदा है। आज से सैकड़ों बरस पहले एक महर्षि ने ये पवित्र अमानत देते हुए कहा था कि जब तक ये तीनों भगवान साथ रहेंगे हमारे देश की एकता बनी रहेगी। जब से दुश्मन हमारे देश में घुस आया है उसकी नजर इस पवित्र अमानत के जगमगाते हीरों पर है। वो इन्हें लूटकर हमारी एकता खत्म कर देना चाहता है, लेकिन हम अपनी जान देकर भी इनकी हिफाजत करेंगे। महाराज हम आज आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हमारा सब कुछ आपका है, जो मांगोगे वही मिलेगा। इन तीन भगवानों ने आपको तीन बच्चों का वरदान दिया है, इसलिए ये पहला बच्चा आप भगवान को दान दे दीजिए।
भगवान खुश होंगे। इसमें आप और देश दोनों की भलाई है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मेरा एक ही लाल है, मैं इसे कभी नहीं दूंगी। महारानी जी, ममता से भी एक बड़ी चीज है और वो है धर्म। महारानी, लीजिए। सरकार, बच्चे को तो हम किसी बहाने से ले आए मगर मूर्तियां ना ला सके। इंस्पेक्टर। यस सर। तुम बच्चा को संभालो, हम मूर्ति पर छापा मारेंगे। वो मूर्तियाँ यही थी, मैंने अपनी आंखों से देखी थी, यही इसी जगह। लगता है महाराज को मालूम हो गया। तुम लोग का बेवकूफी से ये खजाना हमारा हाथ से निकल गया। सरकार, महाराज के बच्चे के बदले ये खजाना हासिल किया जा सकता है। एक साल बाद। यस, कमिश्नर पुलिस हियर। महाराजा को शिकस्त हो गया। क्या बोला? महाराजा को शिकस्त हो गया? वेरी गुड। हम विलायती लोग इस देश पर 1000 साल तक राज करेगा। स्टे द केस। आज तुम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा एक चालाक कैदी कैसा अपना हथकड़ी तोड़कर जेल से भागता है। हथकड़ी तोड़कर? हाँ, हमारे पास एक मशहूर कैदी है जो 20 बार जेल तोड़कर भाग चुका है। लेकिन कमिश्नर साहब, वो डेमोंस्ट्रेशन देते वक्त जेल से भाग गया तो? आज वैसा भी उसका जेल से छोड़े जाने का दिन है। ए, अकबर मामा को भेज करो। अकबर मामा। आरफन मामा, क्या बात है? आज तुम्हारा जेल से जाने का दिन, तो उनको खुश होना मांगता, मगर तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा? सरकार, चेहरा नहीं उतरेगा तो और क्या उतरेगा? जो बेइज्जती मेरी आज हो रही है वो सारी उम्र नहीं हुई। क्या मतलब? मतलब ये सरकार कि मैं सारी उम्र जेल तोड़ कर भागता रहा हूँ, मगर आज पहली बार जेल से बाइज्जत छोड़ा जा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती? कैसा उल्टा बात करता है तुम? सोसाइटी में तुम्हारा इज्जत होगा, आज तुम इज्जत के साथ जेल से छोड़ा जाता है। आप अपनी सोसाइटी का सोच रहे हैं, मगर मेरी सोसाइटी तो कैदियों की है। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि बाइज्जत निकाल दिया गया? मेरे मुंह पर थूकेंगे? थू। लेकिन हरफन मामा, जेल से भागना जुर्म है। सर, जुर्म का मजा आप क्या जाने। कायल, ये सब अंदर ट्रेनिंग इंस्पेक्टर है, तुम दिखाओ इनको तुम अपना हथकड़ी कैसा तोड़ता है। सर, हमने तो अपना हथकड़ी 1000 दफा तोड़ा है। मजा जब है, आज इन सबको हथकड़ी पहना दीजिए और हम अपने हथकड़ी वाले हाथों से इन सब का हथकड़ी तोड़कर दिखाएगा। ऐसा? ए, तुम लोग सब हथकड़ी पहनो। मगर सर, हमें हथकड़ियां लगाकर ये खुद भाग गया तो? कैसा भागेगा, इसका बाप हम तो खड़ा पिस्तौल के साथ। पहनो तुम लोग हथकड़ी। गुड। अरफन मामा, तुम चेक ही तो मार दिया, अब अपने बंदे हाथ से इनका हथकड़ी तोड़कर दिखा। उस्ताद, आज अपने शागिर्द की लाज रखना। सर, गुड लक के लिए एक दफा हाथ तो मिलाओ। ओह यस यस यस, गुड लक, गुड लक। हे, तुम्हारा हाथ करी हमारा हाथ में कैसा आया? हरफन मामा के फन से। अच्छा साहब, हम चलता है, गुड बाय। जेल से भागना जुर्म है। सरकार, हम तो पहले ही बोला जुर्म का मजा आप क्या जाने। बाय। कैसा
तुम लोग सभा में जाओ, हम स्नान करके आते हैं। हरिओम 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 हरिओम। महाराज, क्या है बच्चा? इधर आपने कोई कैदी देखा? बच्चा, इस संसार में सबसे बड़े कैदी तो हम हैं। नहीं नहीं महाराज, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। क्षमा किया? अरे हमारा हस्तक कौन ले गया? सज्जनों, दुनिया के बनाने वाले ने कितनी सुंदर चीजें बनाई हैं। सूरज और चांद बनाए हैं, समुद्र और दरिया बनाए हैं, पहाड़ और जंगल बनाए हैं, फूल और फल बनाए हैं। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। सज्जनों, दुनिया के बनाने वाले ने बहुत सी सुंदर चीजें बनाई, मगर जो उसने सबसे सुंदर चीज बनाई है, उसकी आज तक किसी ने तारीफ ही नहीं की। वो कौन सी चीज है महाराज? दुनिया के बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है लड़की? दुनिया के बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है लड़की? इकरार करे न करे कोई, इकरार करे न करे कोई, इजहार करे न करे कोई, हर दिल में समाई है लड़की। दुनिया के बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है लड़की? अरे फिर कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे बाल ब्रह्मचारी हो, चाहे संसारी हो, चेहरे का रंग खिल जाता है, चेहरे का रंग खिल जाता है, सर झुके हुए तन जाते हैं। आ जाए सामने जब लड़की, बूढ़े भी जवां बन जाते हैं। लड़की वो चीज हर दिल अजीज, इसके मरीज दिल वाले, क्या नौजवान छोटे महान, सब एक समान मत वाले। इंसान तो क्या भगवान ने भी देखा तो तबीयत फड़की, फड़की। दुनिया के बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है लड़की? दुनिया के बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है लड़की? कोई लाल रुमाल लगाता है और कोई लंबे बाल बढ़ाता है, लड़की का मन ललचाने को कोई मोटर कार दिखाता है, कोई सजता और संवरता है, कोई सजता और संवरता है। अरे लड़की का दिल पाने को जो कुछ भी करता है इंसान, सब लड़की के दिखलाने को। दिन और रात लड़की की बात, इसके ही साथ सुख सारे, ये रूप रंग करे ध्यान भंग, मुनि और मलंग सब हारे। देख के लड़की सबके दिल में आग प्यार की भड़की, भड़की। दुनिया के बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है लड़की? दुनिया के बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है लड़की? मजनू की तरह लैला के लिए कोई दीवाना बन जाता है, शीरी के लिए फरहाद कोई पर्वत को नहर बनाता है। कानी जो मिले तो तान से रागों के बीच चलाता है, लड़की से बिछड़ जाए कोई तो कालिदास बन जाता है। कोई फौजें लेकर आता है, कोई ताजो तख्त
लुटाता है, कोई ठाले इसे अजंता में, कोई ताजमहल बनवाता है। संगीतकार और गीतकार इसके अपार तुम गाए, शायर कलाम लिखकर तमाम दुनिया में नाम पा जाए। लड़की का साया पढ़ते ही पत्थर में जिंदगी धड़की धड़की। दुनिया के बनाने वाले ने क्या चीज बनाई, चीज बनाई, चीज बनाई है लड़की। ये तुम्हारी पड़ी है। समझ गया उस्ताद, दुनिया भर की अटकड़ियां तोड़ देने वाले को तूने ऐसी अटकड़ी लगा दी है कि वो कभी ना तोड़ सकेगा। चल मेरी अटकड़ी। महाराज, महारानी दम तोड़ चुकी। महाराज, हमारी बच्ची को फौरन हमारी रियासत में ले जाओ। भाई साहब, देश को दुश्मनों से बचाते हुए आप और महारानी कब से दरबदर भटक रहे हैं? महारानी एक भिखारिन की तरह दम तोड़ बैठी और अब तो फौज भी खत्म हो चुकी है। अब आप अकेले कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक दम में दम है। इसे ले जाओ, देर ना करो। जो हुकुम महाराज। महाराज, सुरंगियों ने हमारे देश की कुछ औरतें पकड़ ली हैं और उनकी इज्जत लूटने वाले हैं। महारानी, हमारा फर्ज तो ये था कि जब तक अग्नि तुम्हें अपनी गोद में पूरी तरह ना ले ले, हम यही खड़े रहें। लेकिन राजा पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसकी प्रजा की। उन अबलाओं की सहायता के लिए हमें फौरन जाना है। महारानी, हमें क्षमा कर दो। महारानी, हमें क्षमा कर दो। महारानी, अरे इसमें तो जान है। हाँ? माय डियर यीशु मसीह, मैं इस बच्ची को अपनी बेटी बनाना चाहता हूं। अगर तुम्हारी परमिशन हो तो जैसे फिल्मों में सब भगवान हाथ पर फूल फेंक देते हैं
वैसे तुम भी मेरे हाथ पर एक फूल फेंक दो। हैं? गोभी का फूल? बिग गॉड बिग परमिशन। कई साल बाद बोलो मूर्तियां कहाँ है? बोला फांसी पहले क्या दिए जाओगे? बोलो यस या नो? नो नो, फांसी दे दो। पांच राइफल यानी राकेश खन्ना। चलो पकड़ो इसे। जो भी शख्स मशहूर इंकलाबी राकेश खन्ना उर्फ पांच राइफल को जिंदा या मुर्दा विलायती सरकार के हवाले करेगा उसको 5,000 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। कौन? ओ फादर अजारियो। यस फादर। माय सन, हमारे चर्च के कब्रिस्तान में कोई आदमी एक कफन छोड़ गया है जिसके अंदर इंकलाबी राकेश खन्ना का मुर्दा पड़ा हुआ है। वेरी गुड, आपको 5,000 रुपया इनाम मिलेगा। मैं अभी आता हूं। वेरी गुड, थैंक यू फादर। ये लीजिए 5,000 रुपया इनाम। गॉड ब्लेस यू माय सन। सिपाहियों, ये कफन उठाकर मेरे पीछे आओ। थैंक यू मिस्टर पांच राइफल। अरे यार, अब तो तुम्हें पकड़वाने का इनाम 10,000 रुपया हो गया है। तो पकड़वा दो। वही 50-50। ओके। खोटू सर, हम तुमको अपना कमांडर बनाया, विलायती औरों से तुम्हारा शादी बनाया, लेकिन अभी तक तुम हमारा वास्ता मूर्ति नहीं लाना सका। सरकार मैं क्या करूं, मैंने हजारों को जेल में डाल दिया, सैकड़ों को गोली सुड़ा दिया, महाराज के भाई को फांसी पर चढ़ा दिया, महाराज को अंधा तक कर दिया, फिर भी उसने मूर्तियों का पता नहीं बताया। हमको बहाना नहीं मांगता, हीरे का मूर्ति मांगता है, हीरे का मूर्ति। सरकार मुझे टाइम दीजिए, वो करोड़ों का खजाना भी मैं आपको ला दूंगा। वो सिर्फ खजाना नहीं है, वो मूर्ति नहीं, इस देश का हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन को एक कर रखा है। हम इस यूनिटी को, इस एकता को तोड़ना मांगता है। जब तक ये मूर्ति अलग अलग नहीं होगा, हम इस देश के ऊपर राज नहीं करना सकता। सरकार आज भी इस देश पर आप ही का राज है। और शराब, इधर का लोग अभी तक राजकुमारी और उसके मरे हुए चाचा के छोटे लड़के को अपना राजा मानता है। मैं उस राजकुमारी को आपके सामने जंजीरों में जकड़ी हुई पेश करता हूँ। वंडरफुल, अगर राजकुमारी से मूर्ति का पता मालूम हो गया तो हम तुमको राजकुमारी इनाम में दे देगा। थैंक यू सर। लेकिन सरकार ये ख्याल रहे, राजकुमारी को ये नहीं मालूम कि महाराज हमारी कैद में है। वो समझती है कि उसके पिता यानी महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। हमको मालूम, राजकुमारी को पेश करो। राजकुमारी, देखा हमारा पावर, हमारा ताकत, हम तुम्हारा सर काट ना सकते हैं। सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐसा बात है राजकुमारी, हम तुमको अभी खत्म कर देना सकता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हम तुमको लास्ट वार्निंग देता है, मूर्ति हमारा हवाला कर दो, वरना हम तुमको फांसी के तख्ते पर चढ़ा देगा। हम तेरी धमकियों से हरगिज नहीं डरेंगे, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। ए, ले जा इसको, अब फांसी पर चढ़ा दो। जय हिंद। देखा राजकुमारी, इस इंकलाबी का अंजाम।
इसके बाद इसके इन साथियों को भी फांसी दे दी जाएगी। बाद में तुम्हारी बारी, अब भी हमारी बात मान जाओ राजकुमारी जी। मिस्टर खोटू, जिंदा रहते हैं सदा देश पे मरने वाले। ऐसा तो देखता हूं तुम कैसे जिंदा रहती हो। सिपाही, इस मुर्दे को हटाकर यहां रात माइक लटका दो। ये बदमाश मेरे प्यार की पतंग ले उड़ा, पीछा करो। पतंग की, प्यार के पतंग की डोर जिसके हाथ है किस्मत जी, उसके साथ है जो ले उड़ा सो ले उड़ा, जो ले उड़ा सो ले उड़ा। प्यार के पतंग की, प्यार के पतंग की हाँ डोर जिसके हाथ है किस्मत भी, उसके साथ है जो ले उड़ा सो ले उड़ा। कारवा तो चल दिया कोई, हाथ मलता रह गया कोई, हाथ मलता रह गया। अपनी नाकामी पे कोई दिल में जलता रह गया कोई, दिल में जलता रह गया। चलने वाले चल दिए और रहने वाले रह गए, चलने वाले चल दिए और रहने वाले रह गए। अरे जाते जाते जाने वाले बात ये भी कह गए, जाते जाते जाने वाले बात ये भी कह गए। अब शोर मचाने से क्या फायदा, जो ले उड़ा सो ले उड़ा, जो ले उड़ा सो ले उड़ा, जो ले उड़ा सो ले उड़ा। हुस्न को जीता है हमने बाजुओं के जोर से, हाँ बाजुओं के जोर से। हाँ ले चले हैं बांध के अब आशिकी की डोर से, हाँ आशिकी की डोर से। ये सुनहरे बाल है और ये गुलाबी गाल है, हाँ सुनहरे बाल है और ये गुलाबी गाल है। पहले दुश्मन के थे लेकिन अब तो अपना माल है, हाँ पहले दुश्मन के थे लेकिन अब तो अपना माल है। जो चला गया उसे भूल जा, जो ले उड़ा सो ले उड़ा, 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 जो ले उड़ा सो ले उड़ा। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको पता लग ही चुका है कि किस तरह
हम दुश्मन के पंजे से बचकर आ गए। इस बार हमारी जान बचाने का सहरा इन श्री राकेश खन्ना जी के सर पर है। आप सबकी इच्छा के अनुसार हमने शादी करने का फैसला कर लिया है और इन श्री राकेश खन्ना जी को अपना मंगेतर मान लिया है। हमारी वेश्या बहनों, आप सबकी दरख्वास्त पर मैंने आज अपनी मुंह बोली बेटी कठारी को आपकी इस माहवारी मीटिंग का प्रधान बनने पर मजबूर किया है। तालियां। बहनों, तुम जानत रही कि हम वेश्या नहीं, मगर हमका प्रधान बनने का बहुत शौक रही। हमका और कोई प्रधान बनाई नहीं, तो ई कारण हम तुमका प्रधान बन गई। अब हमरा हजूर में अपना फरियाद करो। कटारी बहन, हमें राका डाकू से बचा लो। वो हर महीने 5-10 लड़कियां उठा कर ले जाता है और खबर है कि आज भी आने वाला है। आने वाला है चटनी का आवन देख। अरे, ये डाकू भैया शशि कपूर का डुप्लीकेट। चटनी का। ओ, वैश्याओं की लीडर। अरे, मैं कोई मामूली डाकू नहीं हूँ, मैं समाज सुधारक डाकू हूँ। जिन वैश्यों को समाज नहीं निकाल सका, उनको मैं निकाल के ले जाता हूँ। अबे, वैश्या तो समाज के जानवरों की जरूरत पूरी करके शरीफ औरतों की इज्जत बचावत है। अरे, तुम डाकू तो जानवरों के समाज से भी निकाले हुए हो, चटनी के। चटनी के? ए, तुम इन सब को उठा लो और इस लीडर को मैं खुद उठाऊंगा। ठहरो डाकू, सिर्फ बंदूक के बहादुर हो या कुछ हाथों में भी दम है? ये बात है, फेंक दो बंदूक है। औरत हो के मर्द को चैलेंज। ए छोकरी, उठ यहाँ से उठ। ये पुलिस के आराम करने का जगह है, तुम यहाँ क्या करता है? यहाँ? हम यहाँ कहाँ भाई चटनी के, हम तो यहाँ नहीं। यहाँ नहीं तो तुम्हारा भूत है क्या? पुलिस को उल्लू बनाती है। पुलिस जी, हम तुम्हारे साथ ये 10 रुपए का शर्त लगाएं, हम साबित कर दें कि इस वक्त हम यहाँ नहीं। अच्छा, ये रुपए तो हमें मुफ्त ही मिल जाएंगे। ये रहा हमारा 10 का नोट, साबित करोगे तुम यहाँ नहीं हो। देखो, ई टाइम हम कलकत्ता में तो नहीं। अरे, कलकत्ता में नहीं, तुम तो यहाँ हो। हाँ हाँ, मगर कलकत्ता में तो नहीं। कलकत्ता में नहीं। ई टाइम हम बम्बई में भी नहीं। बम्बई में नहीं। अच्छा, ना हम कलकत्ता में भाई, ना हम बम्बई में भाई, तो ई का मतलब कि हम कहीं और भाई। हाँ हाँ, कहीं और भाई। जब हम कहीं और भाई तो हम यहाँ कैसे हो सकत है? लाओ 10 रुपया। ना कलकत्ता में, ना बम्बई में, फूल बना गई चटनी की। ए छोकरी, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। क्यों? अब मैं ये साबित करूंगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ। अच्छा, तुम साबित करोगे कि तुम यहाँ नहीं? हाँ हाँ, लगाओ शर्त। मगर आपकी 100 रुपया शर्त। हाँ हाँ हाँ, 100 रुपया ही सही, हमें भी तो आज ही पगार मिली है। अच्छा, तो फिर करो साबित कि तुम यहाँ नहीं हो। देखो, इस वक्त हम कलकत्ता में तो नहीं है। नहीं। इस वक्त हम बम्बई में तो नहीं है। नहीं। ना हम कलकत्ता में हैं, ना हम बम्बई में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं और हैं। हाँ, कहीं और हो। जब हम कहीं और हैं, तो यहाँ कैसे हो सकते हैं? लाओ रुपए। आए, ये क्या करती हो? हम शर्त जीत गया है, लाओ हमारा रुपया। कैसा रुपया? यही जो तुमने अभी लिया है। हमने साबित कर दिया कि हम यहाँ नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं है
तो हमने रुपया किससे लिया? चटनी का। यहाँ नहीं, हम यहाँ नहीं। अरे फिर बना दी चटनी की। यस, तुम तो भाग गए मगर तुम्हारी बहन हमारे कब्जे में आ गई है। मेरी बहन? तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो? बोलो। भैया, भैया मुझे उनसे बचा। कुत्ते कमीने, छोड़ दे मेरी बहन को वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। छोड़ दूंगा मगर शर्त यह है कि तुम राजकुमारी को कलेरा के इंजेक्शन के बहाने नशे के इंजेक्शन दे दो और महल पर कब्जा करने में हमारी मदद करो। आप डॉक्टर भी हैं? लेकिन आपके सामने बीमारी मोहब्बत। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कॉलरा से बचने का इंजेक्शन है, आप भी लेंगी? जरूर, तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। दवा भी काम ना आए तो बस दुआ देना। अगर इसमें दवा के बदले जहर हुआ तो? मौत से डरते नहीं तूफान में उतरने वाले, जहां हथेली पे रखते हैं आप पे मरने वाले। क्या सोच रहे हैं आप? क्या आपको हमारी वफा पर शक है? जी नहीं, अपनी वफा से डरता हूं। इस महल के पहरेदार ये हैं, तुम नहीं। बंदूकें फेंक दो। क्यों बेटा, अब काबू आए हो? सिपाहियों, साथ वाले लाल दरबार पर कब्जा करके राजकुमारी को वहां पेश करो। होश में आओ। राजकुमारी, तुम्हारी जनता ने फैसला किया है कि हीरे की मूर्तियां मेरे हवाले कर दी जाए। तुम्हें ऐलान बड़े दरबार में करना है, समझ गई? समझ गई। दीदी, ये क्या कर रही हो? अपने देश को दुश्मनों के हाथ बेच रही हो? नहीं नहीं, हम ये ऐलान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सिपाहियों, इस राजकुमार को जेल खाने में डाल दो। ये उसे, पकड़ उसे। दीदी, देश को मत देखना। दीदी, देश को मत देखना, मत देखना। राजकुमारी, अगर अपनी और अपने चचाजात भाई की जिंदगी चाहती हो तो ये ऐलान तुम्हें करना होगा। नहीं, कभी नहीं। हम हर कुर्बानी करने को तैयार है मगर ये हुक्म कभी नहीं देंगे। क्या भक्ति हो? खबरदार जो राजकुमारी को ऐसे हाथ लगाया है। सिपाहियों, अब यहाँ तुम्हारा राज नहीं चलेगा। राकेश, तुम भी दुश्मनों से मिल गए हो? ये हमसे जुदाई कब हुआ था? ये धोखा। फिर भी हम तुम्हारी चाल कभी नहीं चलने देंगे। इसको भी इसके भाई के साथ जेल खाने में डाल दो। खोटू, अब तो मेरी बहन को छोड़ दो। सरकार, राकेश की बहन को इंकलाबी छुड़ा कर ले गए। कोई बात नहीं, उसकी जगह इसको जेल में डाल लो। कमीने, खबरदार। पुलिस, पुलिस, पुलिस!
नहीं, हमारा वाइफ को किस करता है? तुम्हारी वाइफ को नहीं तो क्या तुमको किस करेगा? व्हाट पुलिस, क्या करो इसको? संतरी, हमारा सिपाही तुम्हारे पीछे बंदूक लिए खड़ा है, दरवाजा खोल दो वरना मार दिए जाओगे। अरे भाई खोलता हूँ खोलता हूँ, मुझे वहां पर अरे आप तो मुझे मत मारो। ये तो खा पकड़ो पकड़ो। अरे बाप रे, चलो पीछे गाड़ी घुमाओ। ओ देखो
माता जी, मेरे बच्चे की याद खो गई है, कोई उपाय बताइए, मैं बहुत दुखी हूँ। बेटी, हर कठिनाई में कोई अच्छाई होती है, मेरी ही मिसाल ले लो, मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन थी, कहाँ थी, मगर अपना बीता हुआ कल भूल जाने की वजह से आज मैं अपना पूरा ध्यान लोक सेवा में लगा सकती हूँ। पानी बेचारी बेहोश हो गई है, इसे अंदर ले चलो। हाँ माता जी। अब कोई खतरा नहीं है, ये तो भगवान का ही चमत्कार समझिए कि आपका खून इसी के ही खून के ग्रुप का निकला, वरना बचना नामुमकिन था। छह और चार पंद्रह, छह और चार पंद्रह, छह और चार। तू फिर किसी को बेवकूफ बनाना चाहती है? अरे जा, हम अपना हिसाब कर रहे हैं। छह और चार पंद्रह, छह और चार। अरे बेवकूफ, छह और चार दस होते हैं। छह और चार पंद्रह रुपए होते हैं। दस रुपए होते हैं। पंद्रह रुपए होते हैं। दस रुपए होते हैं। पंद्रह रुपए। दस रुपए होते हैं। पंद्रह रुपए। आज झगड़ा लगा रखा है। इंस्पेक्टर साहब, ये कहती है छह और चार पंद्रह रुपए होते हैं, मैं कहता हूँ छह और चार दस रुपए होते हैं, बस ये झगड़ा है। लड़की बेईमानी मत करो, छह और चार दस रुपए होते हैं। अच्छा साहब, दस ही सही, ला मेरे दस रुपए निकाल। मैं क्यों निकाल के दूं? देखा इंस्पेक्टर साहब, अब ये मेरे दस रुपए देने को भी तैयार नहीं, निकाल। अगर मगर कुछ नहीं, पुलिसमैन होकर बेईमानी करते हो, दे दो उसके दस रुपए। चल निकाल। चटनी का तुम पुलिस की नौकरी के काबिल नहीं, आज से डिसमिस। केले ले लो, केले, केले ले लो, केले। अरे भाई साहब, तुम तो पुलिसमैन थे। था, मगर एक ऐसी बेईमान छोकरी मिली, नौकरी गई और टोकरी आ गई। ओहो हो, अच्छा भैया, दो रुपए के केले दे दो। ले लो भैया, दो रुपए के केले हमका भी दे दो। लो बहन, लो, लाओ दो रुपए। हाँ? वो तो तुमको पहले दे दिए थे। पहले दे दिए थे? कब दिए थे? अरे तुम भूल गए भैया, इन्होंने दे दे इन। दे दिए थे? हाँ, अब हमारे पाँच रुपए मत भूलना जो हमने तुमको दिए थे। पाँच रुपए? तुमने कब दिए थे? अरे केले लेने से पहले दिए थे, ला मेरे बाकी तीन रुपए। भाई साहब, इन्होंने पाँच रुपए दिए थे, इनके तीन रुपए दे दीजिए, जल्दी कीजिए। अच्छा, लो बहन। अब आगे से ऐसे बेईमानी का धंधा मत करना, समझे? हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। पाँच रुपए उसने दिए थे, दो रुपए उसने दिए थे, मगर पैसे कहाँ गए? केले ले लो, केले। डार्लिंग। हाय। तुम सारा दिन काम करते रहता है, हम तुम्हारे से शादी करके फंस गया। हम फंस गया? तुम हर दूसरे आदमी से इश्क फरमाती हो। तुम देसी लोग विलायती लड़की से बड़ा जल्दी शादी कर लेता, लेकिन दिल बड़ा नहीं रखता। Darling, Mokis, this is India. You fool! Hello. सरकार, महाराज ने फिर जेल से भागने की कोशिश की। क्या कहा? महाराज ने भागने की कोशिश की? महाराज को कैप्टन असलम के पास ले जाओ और उसे कहो कि महाराज को कोड़े लगाए। बेटा अपने बाप को कोड़े लगाएगा? क्यों नहीं? कैप्टन असलम को ये नहीं मालूम कि महाराज उसका बाप है, और महाराज को यह नहीं मालूम कि कैप्टन असलम उसका बेटा है। तुम लोग बाहर जाओ। आपने फिर जेल से भागने की कोशिश की? अगर देशभक्तों को जेल में डालना तुम्हारा हक है तो जेल से भागना हम देशभक्तों का भी हक। मगर जेल से भाग के करेंगे क्या आप? अपने देश को विदेशियों के पंजे से छुड़ाएंगे। मगर महाराज, आप तो अंधे हैं। हमें तो तुम्हारे हाकिमों ने अंधा किया और उन्हें दुनिया के हाकिम ने अंधा कर दिया। कैप्टन असलम, अफसोस की बात है कि तुम हमारे होकर भी विदेशियों के हाथों खिलौना बने हुए हो। मगर यह भी तो दुनिया के हाकिम का हुक्म हो सकता है महाराज। तो फिर बहस किस बात की है, अपना हुक्म बजा लाओ।
खंजर कुंभ हो गया या तुम्हारा इरादा बदल गया? कोड़े ना भी लगे महाराज, फिर भी कोड़ों के निशान तो नजर आने चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आजादी की जंग में मैं आपका साथी तो नहीं, मगर हमदर्द जरूर हूं। कैप्टन असलम, जरूर तुम्हारी रगों में किसी देशभक्त का खून है। इडियट्स, इतने वर्षों में तुम्हें एक आदमी ऐसा नहीं मिल सका जो खजाने का पता बता सके। सर, मुश्किल तो यह है कि यहाँ का बच्चा बच्चा देशभक्त है। तो तुम लोग उनकी देशभक्ति को खत्म क्यों नहीं कर सके? सर, सैकड़ों को हमने गोली छोड़ा दिया, हजारों को जेलों में बंद कर दिया। गोली और बंदूक से भी एक बहुत बड़ा हथियार है, जिससे देशभक्ति तो क्या, ईश्वर भक्ति भी खत्म हो सकती है, और वो है शराब। शराब? हाँ, शराब पीने से कैरेक्टर खत्म हो जाता है, और कैरेक्टर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सर, यहाँ पर तो महाराज के जमाने से नशाबंदी है। चोरी छुपे शायद कोई शराब पी लेता हो, लेकिन खुलेआम कोई शराब को छूता तक नहीं। महाराज का जमाना नहीं है, ये हमारा जमाना है। शराब की नदियां बहा दो, सबको मुफ्त शराब पिलाओ, गली गली शराब खाने खोल दो, नशाबंदी तोड़ दो। अरे भाई, हमको क्या नहीं मालूम है, हमको सब कुछ मालूम है। हम चल रहा फिर डिक्शनरी है। तुमको मालूम है राजा का खजाना कहाँ है? हमें हमको सब सब खजाना मालूम है। करुण का खजाना मालूम है, खजाना एक फिल्म बना था वो भी मालूम है। खजाना फिल्म फ्लॉप था, बिल्कुल फ्लॉप था। हमारा राजा का खजाना फ्लॉप नहीं, एकदम हिट, बिल्कुल हिट है। समझे? हिट है, हिट। तो फिर बताओ कहाँ है? अरे भाई, ऐसा फ्री कैसे बताएगा? फ्री गेट पास नहीं चलेगा। तुम हमारा खजाना लेके आओ, फिर हम बताएगा। कौन सा खजाना? बताऊं? अच्छा बता रहा हूँ, 12 बोतल शराब, इंग्लिश इम्पोर्टेड। तुम इम्पोर्टेड शराब पीते हो? अरे हाँ भाई, इम्पोर्टेड शराब पीऊंगा। ठहरो, इम्पोर्टेड शराब पीऊंगा तो मेरा दिमाग एक्सप्लोड हो जाएगा और हम सब बात बता देगा। ये भाई, तुम कभी एक्सपोर्ट हुआ है? नहीं हुआ। तुम इम्पोर्ट पियो तो एक्सपोर्ट होएगा। तुम तो ब्योड़ा पीते हो, तुम तो ब्योड़ा पीते हो। चलो, तुम हमारा खजाना ले आओ फूटो। तो तुम्हारा खजाना शराब है? अरे सबका खाना खराब है, नहीं मेरा मतलब सबका खजाना शराब है। शराब से अच्छा खजाना कोई नहीं। अरे भाई, आदमी 10 रुपए का शराब पीकर 10 लाख का बात कर रहा है, भले वो 2 घंटे के लिए कर रहा है, मगर कर रहा है जरूर। जाओ, तुम पहले हमारा खजाना लेके आओ, फिर बात मैं बात करूंगा। अच्छा, जाओ लेके आओ। मैं लाता हूँ। चलो, ये भी एक्सपोर्ट हो गए। मामा, शराब खुल जाने से पब्लिक का सत्यानाश होता जा रहा है। हमें तो डर है लोग नशे में कहीं मूर्तियों का पता न बता दें। हमने तो हजारों भाषण दिए मगर कोई सुनता ही नहीं। भाई साहब, हर मजहब ने हजारों भाषण दिए, अगर भाषण से दुनिया संभल सकती तो आज एक इंसान भी बुरा ना होता। अरे भाई, लोग आजकल शराफत की बात सुनते ही नहीं। ओ, तो इसीलिए आज आप एक बदमाश के पास आए हैं? कुछ भी समझो मामा, लोगों को शराब से बचाओ। बचाना तो चाहिए मगर कैसे? हर इंसान में थोड़ा सा बचपना होता है, उसे जिस काम से बंद करो वही करता है, इसलिए बात कुछ उल्टी कहनी पड़ेगी। कैसे? अगर ये कहा जाए कि नशाबंदी के टाइम पर जो मजा शराब छुप छुप कर पीने में था, वो नशाबंदी टूट जाने पर नहीं रहा, तो शायद कुछ बात बने। जब से सरकार ने
नशाबंदी तोड़ दी जब से सरकार ने, नशाबंदी तोड़ दी मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी, अरे मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी, छोड़ दी, छोड़ दी। जब से सरकार ने नशाबंदी छोड़ दी मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी, अरे मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी। छुप छुप के पीने का मजा कुछ और था, छुप छुप के, हाँ हाँ छुप छुप के पीने का मजा कुछ और था, डर डर के जीने का मजा कुछ और था, वो भी दिन क्या थे ब्लैक में मंगाते थे, हाँ वो भी दिन क्या थे ब्लैक में मंगाते थे, सब्जी की टोकरी में बोतल छुपाते थे, सब्जी की टोकरी में बोतल छुपाते थे, मैखाने खुल गए, मैखाने खुल गए, मजे सारे धुल गए, टोकरी भी तोड़ दी, टोकरी भी तोड़ दी, हाँ टोकरी भी तोड़ दी, बोतल भी फोड़ दी, मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी, अरे मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी। जब से सरकार ने नशाबंदी छोड़ दी मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी, अरे मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी। प्राइवेट क्लब में मिस रोजी पिलाती थी, प्राइवेट क्लब में मिस रोजी पिलाती थी, हेलो हेलो हैंडसम यू आर ऑलवेज वेलकम, हेलो हेलो हैंडसम यू आर ऑलवेज वेलकम। प्राइवेट क्लब में मिस रोजी पिलाती थी, सिटी भी बजाती थी और गाना भी सुनाती थी, हाँ मुन्ने की माता अब एक पैग लाती है, मुन्ने की माता बस एक पैग लाती है, सामने वो बैठ के दुखड़े सौ सौ सुनाती है, हाँ सामने वो बैठ के दुखड़े सौ सौ सुनाती है। जीना हराम हुआ, जीना हराम हुआ, पीना हराम हुआ, चढ़ते नशे की, चढ़ते नशे की, हाँ चढ़ते नशे की टांग बीवी ने तोड़ दी, मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी, अरे मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी। जब से सरकार ने नशाबंदी तोड़ दी मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी, अरे मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी, छोड़ दी, छोड़ दी। ये लो 12 बोतलें अंग्रेजी शराब की। अब बताओ कहाँ है खजाना? यार तुम देर से आया, मैं शराब पीनी छोड़ दी। क्यों? वो जो मामा है ना, मामा बड़ा बदमाश है वो, उसने ऐसा भाषण दिया हमको, शराब से नफरत हो गया। अब तुम्हें बोलो, बदमाश आदमी का बात बदमाश नहीं सुनेगा तो अब कौन सुनेगा? बोलो हा? बोलो। मगर तुम तो अभी भी नशे में हो। अरे भाई ये तो दूध का नशा है। दूध का नशा? हाँ। मगर दूध में नशा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं होगा ये बताओ, शराब शराब किस चीज से बनती है? जौ से। जौ से बनती है ना।
गाय और भैंस क्या खाती है? जौ। जौ खाती है ना, तो इसमें भी जौ, इसमें भी जौ, इसमें नशा क्यों नहीं आएगा? बता पी के देखो, देखो, अरे पियो ना, ये उल्टी उल्टे मजा आया ना। हाँ देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, नकली शराब पीने से दिमाग एक्सप्लोड हो जाता है, असली शराब पीने से दिमाग इम्पोर्ट होता है। क्या मतलब? मतलब खजाना नहीं मिलेगा, खजाने का अवसर मिलेगा। एक घूंट पियो और फूटो। कमाल है, पहले मुझे इसलिए बंद कर देते थे कि मैं लोगों को शराब पीने को कहता था, और अब इसलिए बंद कर दिया कि मैं लोगों को शराब ना पीने को कहता हूं। अपनी सरकार का भेजा भी उल्टा ही काम करता है। शाही कैदी साहब, मैं 20 बार अंदर बाहर जा चुका हूं, मगर आप भागते ही नहीं। भाई अंधा कैसे भाग सकता है? अजी यहां देखने को है ही क्या? यहां आइए, मैं आपको तरकीब बताता हूं। सुनिए, इधर काला मटका है, एक लाल मटका है, और सफाई के लाल जूते हैं। समझ गए? समझ गया। संतरी क्या है भाई? जरा मटके से पानी तो दो। देता हूं। इस काले मटके का पानी मत दो, उस लाल मटके का पानी दो। नजर कैसे आया? लाल मटका कहाँ है? वो जो सफेद चादर वाले स्टूल पर रखा। सफेद चादर, लाल मटका, इनको तो नजर आने लगा। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, क्या है? इन अंधे राजा को तो नजर आने लग गया है। क्या बकते हो? हाँ साहब, ये कहता है काले मटके का पानी मत दो, उस लाल मटके का पानी दो जो सफेद चादर वाले स्टूल पे रखा है। इंस्पेक्टर, ये संतरी बात बदल रहा। पहले से ये पूछो कि इसने आज ड्यूटी पर ये लाल जूता क्यों पहना, काला क्यों नहीं पहना? सचमुच इनको नजर आने लगा है, इनको हथकड़ी लगाकर कमांडर के पास ले चलते हैं। ये तो मेरा भी बाप निकला। ये तो महारानी की आवाज है। हाँ महाराज। महारानी, महारानी, हाँ, घोर कलयुग आ गया। नौजवान तो नौजवान, आज का ये बुढ़ा बुढ़ी भी इसे कारण लगे। चटनी के हमसे तो ना देखा जाए, दुश्मन ने आपकी आंखों की ज्योति छीन ली। महारानी तुम मिल गई तो हमें आंखों की ज्योति मिल गई। आप बहुत निढाल हो गए हैं महाराज, आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए खाना और दवा लेकर आती हूँ। सुनो सुनो सुनो, 50 साल का एक गोरे रंग का कैदी जेल से निकल भागा है, उसने काले रंग का कोट पहन रखा है। जो कोई भी उसे पकड़वाने में मदद करेगा उसे 1,000 रुपए का नकद इनाम मिलेगा। जमादार जी, जमादार जी, वो कैदी हम नदी किनारे देखत रही, चलो हम पकड़वा दे। शाबाश, पीछे बैठ जाओ। पीछे नहीं, हम आगे खड़त रही, चलो। अरे चटनी के जल्दी चलो ना। ये रहा तुम्हारा कैदी, गिरफ्तार कर लो इनको।
माफ करना बाबा, वो हमारा मामा है ना, वो हमारा बाप का बराबर भाई, चटनी का उनका जमानत के लिए हमका 1000 रुपए का जरूरत भाई, ई कारण हम तुमको पकड़वा दे। तुमने कोई पाप नहीं किया बेटी, तुम्हारी जगह अगर मेरी बेटी होती तो वो भी बाप की मदद के लिए ऐसा ही करती। जीती रहो, ले चलो। ओ सिपहिया बाबू, तुरंत हमारा इनाम दिलवा दे, ई तबेला में हमारा जी घबराए है। तबेला? अरे अरे, ये 2000 रुपए हैं और तुम्हारा इनाम है 1000। तो कोई बात नहीं, हम आपस में आधा आधा बांट ली हैं। लो मैं गिन देता हूँ। नहीं, हमका पुलिस पर कोई एतबार नहीं, चटनी का। चटनी का? एक तुमरा, एक हमरा, ये दो तुमरे, दो हमरे, तीन तुमरे, तीन हमरे, चार तुमरे, चार हमरे, पांच तुमरे, पांच हमरे, हो गई ना हिसाब बराबर। अच्छा तो हम चलत है बाबू। अरे अरे, ये 5 है, वो खुद 15 ले गई चटनी की, एना की। बेटी, आज मेरा मन शांत नहीं है, सत्संग में आज तुम्हें ही भजन करना होगा, जल्दी से गंगा स्नान करके आओ। जो आ गया। क्या हुआ? ताश का पत्ता? माँ जी, माँ जी, एक बेईमान लड़की चोरी करके यहां से भागी है, आपने कहीं उसे देखा? पकड़ो उसको। कटारी बहन, सुनो भाइयों, सुनो, बात यह कि क्यों ठीक है क्या? कटारी बहन, भेज तो मर्दों का बदली कर लिया, लेकिन आवाज कैसे बदली करोगी? आवाज? क्या बात करते हो जानी। चलो। ये तो बहुत अच्छी लड़की थी, इतनी कैसे बदल गई? हे, तुम लोग कौन हो? हुजूर, वो आश्रम वाली माताजी इनकलाबियों की मदद करती हैं। कमांडर साहब से हुक्म मिला है कि वहां धर्म भ्रष्टता के गाने गाकर उनके आश्रम को खत्म किया जाए। शाबाश, फौरन जाओ, हम भी ये मजा देखने आएंगे। ऐसा लगता है इस कब्बाल को कहीं देखा है। चल। माता जी की जय, माता जी की जय, माता जी की जय। बहनों और भाइयों, आज हम शराब की बुराइयों के बारे में विचार प्रकट करेंगे। बुझाने में चैन मिलता है तो साथी तेरे मैं खाने बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम पानी घटा है घूम 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 बराबर घूम
सिंह से बगावत कर ले, इसकी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया। ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा ना हुआ, कम से कम सूरत साखी का नजारा कर ले, आगे मैं खाने में जीने का सहारा कर ले। आंख मिलते ही जवानी का मजा आएगा, उसको अंगूर के पानी का मजा आएगा। हर नजर अपनी बकद शौक गुलाबी कर दे, इतनी पीले के जमाने को शराबी कर दे। जाम जब सामने आए तो मुकरना कैसा, बात जब पीने की आ जाए तो डरना कैसा। धूम मची है मैं खाने में, धूम मची है मैं खाने में, तू भी मचा ले धूम 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 बराबर धूम शराबी धूम बराबर झूम धूम बराबर धूम शराबी धूम बराबर झूम। इसके पीने से तबीयत में रवानी आए, इसको बूढ़ा भी जो पी ले तो जवानी आए। पीने वाले तुझे आ जाएगा पीने का मजा, इसके हर घूंट में पोशीदा है जीने का मजा। बात तो जब है कि तू मैं का परस्तार बने, तू नजर डाल दे जिस पर वही मैं खार बने। मौसम घुल में तो पीने का मजा आता है, पीने वालों ही को जीने का मजा आता है। जाम उठा ले मुंह से लगा ले, जाम उठा ले मुंह से लगा ले, मुंह से लगा कर चूम 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 झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। ले चलो इसको। ठहरो बेटा, तुम इसे यहाँ नहीं पकड़ सकते। क्यों? ये भगवान का घर है, यहाँ इंसान का कानून नहीं चलता। मगर इसने तो आपके ईमान और धर्म की बेइज्जती की है। ईमान और धर्म की बेइज्जती तो रावण, दुर्योधन और यजीद भी न कर सके, ये बिचारी क्या करेगी। छोड़ दो इसे। न जाने आपकी आंखों में कैसा तेज है कि मैं आपका हुक्म नहीं डाल सकता। छोड़ दो इसे। बेटी, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। तो और क्या उम्मीद थी चटनी की। हेलो, कमांडर स्पीकिंग। क्या राजकुमारी पकड़ी गई? शाबाश, उसे फौरन महल में लाओ। अरे चटनी के, तेरा कचूमर बनाई दे या तेरा भरता बनाई दे। अरे छोड़ साले हमका, छोड़ चलिए। ई कौन है चटनी का? कमांडर साहब। अरे हमका मंडल व मंडल को नहीं जानी, हमका राजकुमार के पास लाई चलो। हमार बिनती सुनी है, तुमको ऐसन हंटर लगाई है, ऐसे हंटर लगाई है कि चमड़ी फाट जाए। हाँ। ए! आप कौन है कमंडल साहब? ऊ राजकुमारी का बाप का? बनिए मत राजकुमारी जी। हम राजकुमारी? अरे हम तो उनकी पाँव की धूल भी नहीं, पर तू कौन है जो बड़ी अकड़ के उनकी सिंहासन पर बैठा है? बोल बोल ना। राजकुमारी जी, आप भेष बदल सकती हैं, जबान बदल सकती हैं, लेकिन शक्ल नहीं बदल सकती। ये चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। ओहो,
हमरी चाल चलन ऊपर से भले बुरी लागे, ते अंदर से बिल्कुल पवित्र हूँ। एक्टिंग के दाद देता हूँ। अपनी दाद खाज रखो अपने पास। मैं पूछती हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? गंगा कसम, अब तक ऐसी हूँ जैसे रेशम की कोरी चुनरिया। सिपाहियों, राजकुमारी को यहाँ से ले जाओ। इनके नहाने और धुलाने का इंतजाम करो और शाही कपड़े पहनाओ। ले जाओ। कल तो नहा के आए हैं, बार बार कहते नहा के आओ नहा के आओ। चटनी का चलो क्या है? ये हमारे सरदार की माशूक है। देखता नहीं, ये पुलिस है। हम पुलिस का बाप है। देखी तो लड़की भाग गई। हमने तो राजकुमारी को पकड़ लिया था, लेकिन डाकुओं ने हमला कर दिया और वो उसे छीन कर ले गए। डाकू ले गए? तो फिर कटारे राजकुमारी नहीं है, समझ गया। ले तो गए थे धक्के मारते, अब बड़ी इज्जत से ला रहे हैं चटनी के। ये जरूर कोई नई हरमजदगी है। हाँ बोलो कमंडल साहब। यहाँ बैठो। अरे आज तख्त पर नहीं, तख्ता पर। चलो ठीक है। सिगरेट पियो? ना ना, हमका ये नारकली छाप बीड़ी भली। माचिस वा? क्या नाम है तुम्हारा? हमार नाम कटारी। डर गए का? तुम्हारा नाम तो हम जान गए, खोटू। जैसन नाम वैसन काम। देखो कटारी, हम तुमसे एक सौदा करना चाहते हैं। बस बोलत है करत नहीं। हमने तो कहा 101 निकालो करत नोट। पक्की पक्की? हाँ। वो बात नहीं जो तुम सोचती हो। तुम्हें एक दिन के लिए राजकुमारी बनना होगा। राजकुमारी? ना 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 ना, तुम 1000 रुपया भी देवे हम राजकुमारी ना बने। कौन मुसीबत में फंसे? एक तो ये फैशन जानलेवत है और दूसरा तुम जुगलबंदी भी ना करत है। एक दिन के 10,000 दूंगा। 10,000? सुनो सुनो सुनो, अगले इतवार को राजकुमारी लाल दरबार में मूर्तियों के बारे में एक हरासिलान करने वाली है। वाह, तो आज से विका के भेस में चटनी की। तुम हमें यहाँ क्यों लाए? अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। बेइज्जती कैसी? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। ऐसा? मगर मैं तो तुम्हें जानता हूँ चटनी की। आज मैं तुम्हें यहाँ सबके सामने नंगा करूंगा। एक शरीफ लड़की को नंगा करना आसान नहीं। ओ तो तुम क्या द्रौपदी हो? तो तुम क्या दुशासन हो? बताता हूँ। ओ तो तुम तलवार की भी धनी हो? तुम ठहरो। क्या जा? दुशासन तो द्रौपदी को नंगा नहीं कर सका। अब देखो द्रौपदी दुशासन को कैसे नंगा करती है। तलवार के ऐसे दांव तो सिर्फ राजकुमारी ही जान सकती है। तो फिर वो दरबार में ऐलान करने वाली कौन होगी? डायलॉग याद है ना? याद है चटनी के। हमारे देशवासियों, विदेशियों से हमारा फैसला हो गया है कि अगर हम मूर्तियां इन्हें दे दें तो ये हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए हम वजीर साहब को हुक्म देते हैं कि इनके सिपाहियों के साथ जाकर मूर्तियां इन्हें दे दें। महाराज कुमारी, ये आप क्या हुक्म दे रही हैं? ये तीनों भगवान तो हमारे देश के रखवाले। हम देश की भलाई अच्छी तरह समझते हैं। जाइए मूर्तियां इन्हें दे दीजिए, ये हमारा हुक्म है। जो आज्ञा। क्यों चटनी के, कैसा डायलॉग बोले? वेरी गुड,
वेरी गुड के बच्चे, हमार 10,000 रुपया अभी दे दो, वरना हम उल्टा हुक्म चला दें। यस 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 यस। राजकुमारी, मैं राका डाकू। राजकुमारी, मैं हर महीने 5-10 लड़कियां उठाकर बेच दिया करता था, मगर एक अच्छी लड़की ने मेरी ये बुरी आदत छुड़ा दी। इस बात पर मुझे उससे प्रेम हो गया, मगर आज वही लड़की लाखों देश निवासियों को दुश्मन के हाथ बेच रही है। बताइए उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। तू का वो लड़की संग प्रेम हुई गया? हाँ राजकुमारी। तो ये बात पहले क्यों नहीं बका चटनी के? वो लड़की भी तो उसे प्यार करत रही। देशवासियों, हम राजकुमारी नहीं, हम कचारी हैं। ये बदमाश ने हमको राजकुमारी बनाई दियो। जाओ वजीर साहब को बोल दियो कि देश की मूर्तियां ये बदमाश को कभी ना दियो। खबरदार। राका, ये चटनी का हमरा शिकार है। आ, 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 चटनी के कह जाइए, हम राजकुमारी के सिपाही, इसको खत्म करने से पहले इससे दुश्मन का हर भेद हम जानना चाहते हैं, इसको हमारे हवाले कर दीजिए। ठीक है, ले जाओ इसे चटनी के। हमें मूर्तियों को बचाना चाहिए, मगर मूर्तियों का पता तो राजकुमारी को है। और राजकुमारी का पता मुझे है। आओ मेरे साथ। राजकुमारी जी, इनको राका सरनार ने भेजा है। क्या बात है? राका ने दुश्मनों को मार भगाया है और वो महल में आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी चलिए। लो, एक बार चाबी फेंक ही दो, ये हर बार भाग जाते। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। तो दोनों के लिए आत्महत्या की बात हो। राजकुमारी, खोटू ने मेरी छोटी बहन की इज्जत लूटने की धमकी देकर मुझे आपसे दगाबाजी करने पर मजबूर कर दिया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। दो दिलों को ये दुनिया मिलने ही नहीं देता। आपकी तारीफ? हम मैडम खोटू, हमारा हस्बैंड तुम्हारे जैसा नौजवान मुजरिमों को सजा से ठीक करना मांगता, मगर हम प्यार के सजा से ठीक करना मांगता। मुझे आपके हस्बैंड की सजा मंजूर है, आपकी नहीं। वंडरफुल, काबू करने का मजा उसी घोड़े और मर्द का है जो मुजोर हो। मैडम खोटू, हम राजकुमारी हैं और ये हमारे मंगेतर हैं। हमारा हस्बैंड तुम पर मरता है और हम तुम्हारा मंगेतर पर मरेगा, हिसाब बराबर है। इस खूबसूरत कैदी को हमारे महल में पेश करो। तुम लोग बात पहले पर हो। जवान नहीं, तो
मैं हुस्न नहीं? हुस्न औरत में नहीं मैडम, आशिक की नजर में होता है। तो फिर हमारा हुस्न अपनी नजर में बसा लो। मेरी नजर इतनी आवारा नहीं कि हर हुस्न को अपनी आंखों में जगा दे। ये बात है तो आज हमारा हुस्न तुम्हारी नजर में जगमगा के रहेगा। मिस्टर राकेश, हमारे हुस्न की तारीफ करो। कौन सा हुस्न? सिर्फ मत कहो वरना खत्म कर दिए जाओगे। तो देर किस बात की है? तुमको अपनी जान भी प्यारी नहीं? मुझे अपने देश से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं। झूठ मत बोलो। अगर इसकी जिंदगी चाहते हो तो हमारी जवानी की तारीफ करो हमारे हुस्न के गीत का। नहीं राकेश, अगर तुमने इसके हुस्न के गीत गाए तो मैं ये समझ लूंगी कि तुम मुझे प्यार नहीं करते। राकेश, अब तुम्हारी आंखों में हमारा हुस्न नजर आ रहा है। तेरा हुस्न अल्लाह अल्लाह, तेरा रूप राम राम। तेरा हुस्न अल्लाह अल्लाह, तेरा रूप राम राम। एक मैं ही नहीं तेरे करोड़ों गुलाम, एक मैं ही नहीं तेरे करोड़ों गुलाम। तेरा हुस्न अल्लाह अल्लाह, तेरा रूप राम राम। तेरा हुस्न अल्लाह अल्लाह, तेरा रूप राम राम। तू जो पल के झुका दे हिमालय झुके, तू जो पल के झुका दे हिमालय झुके। तू इशारा करे गंगा जमुना रुके, तेरी जुल्फे सवारे कश्मीर की हवा, तेरी जुल्फे सवारे कश्मीर की हवा। धोए कन्या कुमारी तेरे पाँव सदा, तेरे कदमों की धूल को सितारों का सलाम। तेरा हुस्न अल्लाह अल्लाह, तेरा रूप राम राम। तेरा हुस्न अल्लाह अल्लाह, तेरा रूप राम राम। है मेरा ईमान है, तू मेरा इश्क है मेरा ईमान है। मैं तेरी जान हूँ तू मेरी जान है, तेरा दीवाना हूँ ये दिखा दूंगा मैं। तेरा दीवाना हूँ ये दिखा दूंगा मैं, तेरी आवाज पे सर कटा लूंगा मैं। तेरी खातिर मैं पी लूंगा जहर का भी जाम। तेरा हुस्न अल्लाह अल्लाह, तेरा रूप राम राम। तेरा हुस्न अल्लाह अल्लाह, तेरा रूप राम राम। अगर ताला खोलना मांगता है तो इधर से चाबी निकालो। आओ कम ऑन। हमारे बाहों में आजो डाले। ओ, आज तुम मुझे इतना प्यार क्यों करने लगी? डालेग डालेग तुम इस इनकलाबी से प्यार करने लगी?
I'll kill him faster. Good. Kato? Sir, इन मूर्ति को फौरन हवाई जहाज में डालकर विलायत भेजने का बंदोबस्त करो और फिर उधर इन मूर्ति को अलग अलग बोटों में डालकर अलग अलग शहर में छुपाने का ऑर्डर भेज दो. यस सर. और क्या लिखा है संतरी जी? लिखा है जब से मूर्तियां देश से बाहर चली गई हैं, हर तरफ तबाही फैल गई है. कहीं अकाल, कहीं फसाद, पता नहीं इस देश की किस्मत का क्या हो. अरे देश की किस्मत छोड़ो, अपनी किस्मत का सोचो. मेरी किस्मत को क्या हुआ? बड़ी अच्छी नौकरी है संतरी की. भाग मंत्री के नौकरी संतरी की. तुम्हें कैसे मालूम? अजी तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है. और क्या लिखा है? हाथ दिखाओ तो बताऊं. अरे मंत्री की इतनी भारी लाइन, दूसरा हाथ दिखाओ. वाह वाह, क्या किस्मत है. राजकुमारी को भी पकड़ के ले और मूर्तियां भी विलायत पहुंच गई. अरे फिक्र मत करो, मूर्तियां वापस आ जाएंगी. कैसे? जैसे मैं जेल से वापस आ जाता हूं. सुनो, विलायत में मेरा एक सगा भाई है, मैंने उसको टेलीग्राम भेज दिया है. वो सर्कस में वहां मोटरसाइकिल का चैंपियन है. चैंपियन? रॉबर्ट, ये लो $10,000. हमारा तीन साथी मूर्तियों वाली तीन मोटरें भगाकर हाईवे 203 पर पहुंच जाएगा. तुम बस लेकर वहां पहुंच जाओ, बाकी तुम सब जानता है. ओके, तुम्हारा तीन साथी किधर है? हमारा तीन साथी वो है ऋषि कपूर, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन. ऋषि कपूर, इंडिया से हमारे भाई का ये टेलीग्राम आया है. ये लो तुम्हारा एक्सरे चश्मा. हमको मूर्तियां वापस इंडिया भेजने का है. जरूर जरूर, चलो तैयार हो जाओ, मूर्तियां वापस ले जाना है. यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी. ए, सी उड़ाई से. Hey!
हाँ तो तुमने मूर्तियां विलास से वापस मंगवा ली। हाँ साहब। और बंदर सेना भी मंगवा ली। हाँ साहब। अब तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? वही जो एक देश द्रोही को एक देश भक्त के साथ करना चाहिए। बकवास। ओ अंग्रेजी सिगरेट कहां से लिया? ये मेरे भाई ने विलायत से मेरे लिए भेजे। तुमने अपनी सजा खुद ही बता ली मामा। ये सिगरेट जलाकर जब मैं तुम्हारे मुंह पर लगाऊंगा तब तुम्हारे मुंह पर हमेशा के लिए देशभक्ति के निशान रह जाएंगे। मेरे साहब ये जुल्म मत करना। निकल गई सारी देशभक्ति। साहब मामा भाग गया। जो बनवा दमके सजनवा कैसे छुपाऊं हाय हाय। मल मल में बदन मोरा चमके जो बनवा दमके सजनवा कैसे छुपाऊं हाय हाय। कैसे छुपाऊं गोरी माही ये तिरछी निगाहें जवानी की अदाएं। मल मल
सज्जन हुआ कैसे छुपाऊं, हाय हाय, अब मत छुपाओ भाई जी, अब मत सताओ। सरकार मालिक होकर नौकरों पर बुरी नजर रखते हैं। सरकार की खिदमत करना नौकरों का फर्ज है। वो तो है। ये गोरी गोरी बाहें वहां मत रखो, यहाँ रखो मेरे गले में। सरकार मैंने पहले जवान होकर बड़ा दुख पाया है। सत्के तेरे चोबन के। कौन हो तुम? हम तो समझा था कि तुम भाई हो। तुम गलत समझते थे, हम भाई नहीं, हम भाई है भाई। देखा मामा, आप भांजे। ये क्या करता है? वही जो तुम मेरे साथ करना चाहते थे। सदके तेरे जोबन के। ये गोरी गोरी बाहें यहां नहीं रखो, मेरे गर्दन में डाल दो। सिपाहियों, सिपाही क्या? सिपाहियों, बेटा हमारी बारी। बचाओ सिपाहियों, बचाओ हमारी बारी आई। बचाओ बचाओ हमारा साहब किधर है? हमारा साहब किधर है? इडियट, गिरफ्तार कर लो इसे। आप आएंगे? मैं भी आता हूँ। सरकार आपका नया यूनिफॉर्म। वेरी गुड, तो मामा को जेल में ले जाओ, मैं यूनिफॉर्म पहन के अभी आता हूँ। तुम कौन हो? मामा किधर है? मामा वो है, मैं तो भाग जाऊं। आया। What you darling? खोटू, तुम बाहर और अंदर? वो बदमाश मामा अंदर आया था। मामा? तुम मामा के नाम पर क्यों उछलने लगे? अब उससे तो इश्क नहीं शुरू कर दिया? बस करते हैं खोटू, क्या हम बदमाशों की साजिश करेगा? इश्क तो बदमाशी करते हैं और कौन, तुम्हारे बेडरूम में तो वो नहीं है बदमाश। इज्जत, तुमको भी गोली मारेगा और हमको भी गोली मारेगा, निकल इधर से। जाता मैम सर, वो आ गया। उधर भी नहीं है। डार्लिंग, तुम्हारा पैर बहुत ब्यूटीफुल है, आप बहुत सेक्सी है, मैंने कभी ख्याल किया नहीं था। तुमने हमारा क्या ख्याल किया है? तुम्हारी हंसी इतनी भारी क्यों है? हमारा गला खराब है। दवाई ले लो डॉक्टर से। साहब कुछ मिला? हाँ, मैम साहब का लात मिला। किताब ठीक है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
चूहा खा गया, चूहा खा गया, चूहा खा गया, बचाओ बचाओ, चूहा खा गया, चूहा खा गया, बचाओ बचाओ बचाओ, चूहा खा गया, अपने खंडू साहब आओ, चलो बचाओ 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 बचाओ, क्या बचाओ साहब के बच्चे, हमको बचाओ, चूहे खा गए हमको, बचाओ, खोलो उसे, चलो तुम लोग बंदर को पकड़ो, वहां चलो चलो, भगवान आज पहली बार मैं तुझसे कुछ मांग रही हूँ, मेरी आंखें मेरे पति को दे दे, मेरी आंखें मेरे पति को दे दे भगवान। आंखें वापस आ गई, हम सब कुछ देख सकते हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं, हमें सब कुछ नजर आ रहा। चुप रहो, पहले भी यही कहकर हमको उल्लू बनाया था। नहीं नहीं, हम सचमुच देख सकते हैं। अच्छा यह बात है, अभी देख लेते हैं। आपको नजर आता है ना? हाँ। तो बाहर जाइए। पकड़ो पकड़ो, बचाओ 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 बचाओ, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। भगवान ने मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी आंखें मेरे पति को दे दी, मेरी आंखें मेरे पति को दे दी। माता जी, माता जी। राधा, भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान ने आपकी जरूर सुन ली होगी, भगवान के भंडार में बहुत कुछ है, वो किसी को देने के लिए किसी का कुछ नहीं छीनता। आपकी आंखें नहीं गई, दिया बुझ गया है, वो किसी को देने के लिए किसी का कुछ नहीं छीनता, वो किसी को देने के लिए किसी का कुछ नहीं छीनता। आपकी आंखें नहीं गई, दिया बुझ गया है।
पायल। स्टडी, थैंक यू। राका राका चलो हम भी फोटो निकलवाएं। चलो स्माइल स्टडी। चटनी का तो आजकल डाकू लोग भी देशभक्त बन गया है। जब कई देशभक्त डाकू बन गए तो फिर डाकू देशभक्त क्यों नहीं बन सकते हैं। देखो नाका, अगर अपना जान बचाना मांगता है तो बाकी इंकलाबी को पकड़ने में हमारा मदद करो। मुझे मंजूर है। हैंड अप। स्मार्ट, लेकिन बाहर हर तरफ पैरा है, तुम यहां से निकलेंगे कैसा? तुम्हारे साथ। क्या मतलब? इन दोनों को बांध देने के बाद मेरी पिस्तौल तुम्हारे जेब में होगी और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में, जैसे दो दोस्तों का होता। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। महाराज, देश का दुश्मन आपके सामने कैदी बनकर खड़ा है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इसे खत्म कर दूं। हमको खत्म करना आसान काम नहीं है। अगर हम खत्म होगा तो महाराज का बेटा भी खत्म हो जाएगा। बेटा? हमारा बेटा? जी हाँ, जो आपसे बचपन में छीन लिया गया था, वो हमारा पुलिस ऑफिसर है, कैप्टन असलम। कैप्टन असलम? कहाँ है मेरा लाल? हमको छोड़ने का वादा करो, आपका बेटा आपका पास आ जाएगा। हम वादा करते हैं। ठहरो महारानी, ये किसी को भी हमारा बेटा बनाकर पेश कर देगा, हमें कैसे पता चलेगा? भूल गए महाराज, हमारे बेटे के सर पर भगवान का दिया हुआ आका निशान है। कैप्टन असलम, महाराज का बेटा अगर आज जिंदा होता तो वह तुम्हारी उम्र का होता। सर, इसका मतलब कि मैं राजकुमार बनकर महाराज के पास जाऊं? या कमिश्नर साहब की जान बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। जब मैं राजकुमार नहीं हूं तो वो कैसे मान जाएंगे कि मैं राजकुमार हूं? राजकुमार के सर पर एक पैदाइशी निशान था जो मैंने ये विग पे बना दिया है। तुम ये विग पहनोगे और वहां जाओगे। ओके, टेक इट। कैप्टन असलम आ गए। माता जी। हाँ, यही है मेरा लाल, मेरा लाल। महाराज। महाराज नहीं, पिताजी को, पिताजी, पिताजी। महाराज, राजकुमार तो मिल गए, अब इस दुश्मन को भी क्यों ना खत्म कर दें? नहीं, हमने इनको छोड़ने का वादा किया है, छोड़ दो इन्हें। थैंक यू सर। पिताजी, अब मैं भी इनकलाबियों से मिलकर आजादी की आखिरी जंग लड़ूंगा, मगर पहले आप दोनों को किले वाले महल में हिफाजत से रखना जरूरी है। बेटे, हम तुमसे मिलकर दुश्मनों से लड़ेंगे। नहीं पिताजी, अगर आपको कुछ हो गया तो इनकलाबियों का हौसला टूट जाएगा। चलिए। बेटे, अगर माँ बाप को कैद करना ही तुम्हारा कर्तव्य है तो ये कैद भी हमारे लिए स्वर्ग है। मैं आपका बेटा तो क्या आपके मजहब का भी नहीं हूँ? आप हिंदू हैं और मैं हूँ मुसलमान। माँ बाप और बेटे का रिश्ता मजहब तो क्या, भगवान भी नहीं तोड़ सकते। जिस निशान से आप मुझे अपना बेटा समझती हैं, ये रहा वो नकली निशान। निशान नकली हो सकता है, मगर खून तो नकली नहीं हो सकता। मेरी ममता पुकार कर कह रही है कि तुम ही मेरे बेटे हो। अगर आप समझती हैं कि मैं आपके इस झांसे में आकर आपको छोड़ दूंगा तो ये आपकी गलती है। सुनो सुनो सुनो, महाराजा और महारानी को किले में बंद कर दिया गया है। अगर सब इनकलाबी अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे तो महाराजा और महारानी को कत्ल कर दिया जाएगा। देखते हैं कौन किसको कत्ल करता है। बेटा, साथियों,
हम सब अलहदा अलहदा रास्ते से किले पर पहुंचकर महाराजा और महारानी को बचाने की कोशिश करेंगे, समझ गए? समझ गए। कटारी कहाँ है? हम यहाँ रही मामा। अरे तूने ये भेष बदल लिया? हाँ मामा, दुश्मन हमका राजकुमारी बनाकर पब्लिक को धोखा देन चाहता ना, अब हम खुद राजकुमारी का भेष बदलकर दुश्मन को धोखा देन चाहते हैं। वेरी गुड, चलो चलो। राकेश हम झील के रास्ते से किले तक पहुँचते हैं और तुम बर्फ के रास्ते से पहुँचो। मगर राजकुमारी बर्फ के पहाड़ों में रास्ते का कैसे पता चलेगा? बर्फ की गाड़ियों का जो गैराज है ना, वहीं पे तुम्हें नक्शा भी मिल जाएगा। ओके, गुड लक। गुड लक। हेलो 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 हेलो, मालूम होता इंकलाबी लोग टेलीफोन का तार काट दिया। इसका मतलब यह है कि इंकलाबी लोग महाराज को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, किले वाले महल के सब रास्ते में पुलिस खड़ा कर दो और देखो कोई भी इंकलाबी उधर घुसने ना पाए। यस सर। गो टू? यस सर। चलो हम भी उधर चलेंगे। ओके सर। खड़े खड़े बोर हो गए यार। अरे हाँ यार, इनकलाबी तो क्या इनकलाबी का बच्चा भी नजर नहीं आता। हाँ यार। अरे बोले चटनी का Thank you.
गाड़ी को तोड़ दो। तुम दोनों सरकार हो ना? हाँ हाँ, क्या बात है? है बात है बात ये है कि सरकार, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आती क्या करूँ, कहाँ करूँ और क्यों करूँ। अरे जा जा, तू शराबी देश के लिए क्या करेगा? हाँ ठीक है, मैं शराबी हूँ, देश के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। अच्छा ठीक है, लेकिन जो शराबी नहीं है उन्होंने आज तक देश के लिए क्या किया? जवाब दो, बताओ जवाब दो। अच्छा अच्छा, ओ महाराजा कैद में है, उसे छुड़ा लो, देश भी आजाद हो जाएगा। ठीक है महाराजा, तो छुड़ाऊंगा, लेकिन प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, मेरे छुड़ाने से पहले महाराज को किसी और ने छुड़वा लिया तो तुम थोड़ा जिसमें जिसमें क्यों है महाराज, क्यों है, चल हट महाराज, क्यों है महाराज। Thank you.
ये देखो तुम लोग, पुलिस। यस सर। दूसरा पुलिसमैन कहाँ गया? सर वो पेशाब करने को गया। काम के टाइम हमारा पुलिस का पेशाब निकल जाता है, तुम इधर पहरा दो। यस सर। महाराज, आजादी का जंग बंद करने के इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए, वरना हमारा बंदूक का गोली आपके सीने से मिलने के वास्ते तैयार है। कमिश्नर, अपना वक्त जाया ना करो, हमारा सीना भी तुम्हारी गोली से मिलने के लिए तैयार है। ऐसा बात है? गार्ड्स रेडी। हम राजकुमारी इस फरमान पर दस्तखत करने को तैयार हैं। वेरी गुड। बेटी, बेटी। राजकुमारी, हमारी बेटी। हाँ पिताजी, आपने मुझे जिंदगी दी, आज किस्मत मुझे आपकी जिंदगी बचाने के लिए यहाँ ले आई है। बेटी, देश के खिलाफ ये फरमान जारी करके तुम हमें जिंदगी नहीं जिंदा मौत दे रही हो। पिताजी, मुझ में आप जैसी हिम्मत नहीं। मैं देश के लिए अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने खत्म होता हुआ नहीं देख सकती। कमिश्नर साहब, लाइए फरमान, हम दस्तखत किए देते हैं। सर्टनली। राजकुमारी, तब्जात हमारी हमशक्ल होने का फायदा उठा रही हो। पिताजी, असली राजकुमारी हम हैं। ये दुश्मन की चमची है, इसने पहले भी हमारे नाम से फरमान जारी किए थे। खोटू सर, पहले इन दोनों को तलवार से फैसला कर लीजिए कि असली राजकुमारी कौन है। ठीक है, तलवार दीजिए, पहले मैं इस बेरुतीन को खत्म कर दूं। मर गई, न इसको मार सकत हूं और न खुद मर सकत हूं। भगवान, तू ही दोनों को बचाइयो, मरने के लिए तैयार हो जा। चटनी की दोनों मेरी जुड़वा बेटियां हो, जहां एक का खून निकलता है वही दूसरी को दर्द होता है। मेरी बहन चटनी की बहन, चलो पहले माता पिता को आजाद कराएं। खबरदार सिपाहियों, गोली छोड़ा दो उनको। सर, पुलिस तो जो भी हाकिम हो ना, उसका हुक्म मानती है, और हमको लगता है कि हाकिम अब आप नहीं बल्कि राजकुमारी होने वाली है, इसलिए हमारी ड्यूटी अब इनको नहीं बल्कि आपको शूट करना है। हैंड्स अप, हाकिम हमें रहेगा, सब लोग हथियार फेंक दो, वरना हम इस छोटा राजकुमार को शूट कर देगा। ए, इन तीनों को जेल में बंद कर दो और इन दो का हिसाब हम खुद देखेगा। जाओ तुम लोग, कमान जाओ, जंगली लोग। आपको हिंदुस्तानी कुत्ता भी तुमको नहीं बचा सकता है। Woo!
लीजिए हमारा ऊपर। महाराज अब क्यों आज दीजिए शकर 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 महाराज 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 नमस्कार। आप जैसे महापुरुष कैद में, मेरा मतलब हम जैसे गरीब आदमी कैद में हो तो चलता है चलता है। गरीब आदमी हमेशा हर तरह तो कैद में ही होते हैं, लेकिन अभी तो आपको देश आजाद करवाना है। आप अंदर हो गए तो कैसे कैसे चलेगा? अरे महाराज इजाजत हो तो मैं आप फोन दू, नहीं मतलब इजाजत हो तो। अच्छा चलो इजाजत बगैर में खोल देना। चलो खोल देता हूँ। खोलते ही नहीं क्यों, किसने उबाही मौका ना मारा, मैं अभी खोल देता हूँ। सर पर आका निशान, सचमुच सर पर आका निशान। हमारा बेटा, पिताजी, बेटे। महाराज मैं इसे संभालती हूँ, आप फौरन जाकर राजकुमारियों को बचाइए। ठीक है माँ। बेटा महाराज तलवार छोड़कर लाइन में खड़ा हो जाओ। क्यों मिस्टर राकेश खन्ना, कहां गई तुम्हारी 5 राइफल? हाँ तुम देसी लोग, हम मिलाती लोग से क्या लड़ेगा? सिपाहियों इन सबको गोली छोड़ा दो। देखिए हमारी बात राइफल। असलम तलवार से इनके सर काट दो। ये तलवार अब अपनों के खून से नहीं तुम्हारे खून से रंगी जाएगी। खबरदार तुम्हारा वो 5 राइफल तो खाली हो गया है, मगर हमारा ये बॉम्ब अभी तक भरा हुआ है। हमारा ये एक ही बॉम्ब तुम सबको उड़ा के रख देगा, तो फिर देखता क्या है। उड़ा बारे हमने धर्मिंदर चटनी के। थैंक यू। अभी विलातियो बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, वरना ये तुम्हारा बम अब तुम्हें ही उड़ा देगा। अरे वलैतियो हम देसी से कहा, तुम तो हमार बंदर से भी मार खाएगा वहाँ। हाँ अब हमारा देश छोड़ने से पहले बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। बोल चट्टी के बोल। हिंदुस्तान जिंदाबाद।